शिमला हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक 16 लाशें बरामद कर ली गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फौज मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले, समर हिल में बड़ा हादसा हुआ था। पहाड़ का हिस्सा दरक कर पूरा नीचे आ गया था, जिसके नतीजे में कई लोगों के मलबे में दबने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। तो वही मौके पर तमाम तर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और पिछले कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 16 लाशें बरामद कर ली गई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ दरक कर पूरा नीचे की तरफ चला गया था, जिसके नतीजे में बड़ा हादसा हुआ था। तो अब तक 16 लोगों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फौज मौके पर मौजूद है। चल सकता है, ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि अभी मिसिंग है, वो मिल नहीं पाए 5, तो कोशिश यही है। बाकी बॉडी पार्ट मिला है, अगर वो डीएनए सैंपल के द्वारा, अगर कोशिश लास्ट यही है कि बॉडी मिल जाए, ताकि उनको लास्ट अंत्येष्टि के लिए जो उनके परिवार को हैंड ओवर किया जा सके। और अभी बॉडी पार्ट मिले हैं, वो भी डीएनए सैंपल के लिए, मे भी नहीं मिलेगा बॉडी पार्ट तो उसके द्वारा कंफर्म किया जाएगा। जैसे कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, वो क्या करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे हल्की बारिश का इम्कान है। वहीं 21 से 23 अगस्त तक 10 जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, कांगड़ा में लैंडस्लाइड, मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की जंग लगातार चल रही है। हाल ही में हमने आपको बताया, समर हिल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा रहा है। 16 लोगों की लाशें अब तक निकाल ली गई हैं। तो वहीं कुछ और जिंदगियों की उम्मीद तलाशी जा रही है। कुछ और लोगों के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फौज मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार देखा जा रहा है। तो वहीं बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो शिमला के अलावा हिमाचल के कई और जिलों में, 10 जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यानी अगर ऐसे में बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 21 से लेकर 23 अगस्त तक 10 जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, कांगड़ा में लैंडस्लाइड की भी जानकारी मिल रही है। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे में दबी हुई जिंदगियों को बचाने की जंग लगातार चल रही है। तो आपको बताते चले, लैंडस्लाइड मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। कई ऐसी सड़कें हैं जिनका राबता पूरी तरह से टूट चुका है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है और जिंदगी मामूल पर लौटने में अभी लोगों को कड़ी मेहनत और मशक्कत सरकार को भी करनी होगी। अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग हादसों में हिमाचल प्रदेश में अब तक 74 लोगों की मौत इन 4 दिनों में हो चुकी है। हालांकि मानसून की शुरुआत में ही हिमाचल प्रदेश ने दहाइयों बाद ऐसी तबाही देखी थी और हालात मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से 14 तारीख के बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से कई हादसे पेश आए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में सड़कें ऐसी हैं, मेन हाईवेज हैं, जिनको बंद किया गया है लैंडस्लाइड की वजह से। वहां पर जो आमदरफ्त है वो मुतासिर हो गई है। और फिलहाल बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यानी बारिश फिर से अगर हिमाचल प्रदेश में पड़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब माना जा रहा है, क्योंकि पहले ही लोग कड़ी मशक्कत के साथ ज़िंदगी बचाने की, अपने आशियाने बचाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने आशियानों को खो भी चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको शदीद परेशानियों का सामना है। सरकार की तरफ से राहत की भी यकीन दहानी कराई जा रही है, लेकिन ज़िंदगी मामूल पर लौटने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है।